अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एर्थुरू सीरीज़ के बाद लोगों में एर्थुरू नाम के बारे में, जिसे उर्दू में अर्तुगरुल कहा जाता है और तुर्की ज़बान में एर्थुरू कहा जाता है, कि तुर्की ज़बान में जो नाम है एर्थुरू, उसके अंदर जो जी है वो सॉफ्ट जी है, इसलिए उसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता। तो इसके बारे में लोग सवाल करते हैं कि इस नाम का मतलब क्या है। क्योंकि ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी और उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, तो प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, जैसा मैंने आपको बताया। तो तुर्की ज़बान में जो अर है ना, अर्तुगरुल में जो अर है, इसका मानी होता है आदमी, बहादुर या फौजी, मुख्तलिफ मानी है। और ये जो तुगरुल है, इसका मानी होता है उकाब, या ऐसा बहादुर परिंदा जो ज़ख्मी करने वाला हो। तो इस एतबार से तुर्की ज़बान में अर्तुगरुल का, ये अर्तुरू का जो मानी है, वो बहादुर आदमी के या उकाबी शख्स के हैं। तो अर्तुगरुल या गाजी अर्तुगरुल या अर्तुगरुल बे, ये खिलाफत उस्मानिया के बानी, उस्मान अव्वल के वालिद थे, जैसा कि आप लोग जिन्होंने वो सीरीज़ देखी है इस बात से वाकिफ़ है। और तुर्कों के कबीले ओहूस, जिसे उर्दू में ओहूस कहा जाता है और तुर्की ज़बान में ओहूस, इसकी इस की एक शाख कबीला जिसे काई या काई कहते हैं, इसके ये सरदार थे और सलजूकिया के ताबे थे। इन्हें आम तौर पर गाजी के लकब से पहचाना जाता है, नहायत ही बहादुर, नेक और आदिल शख्स थे। सलजूकी हुकूमत में इनके हाथ पर कई फतूहात हुई। तो इसका दरअसल मैंने आपको बैकग्राउंड रेफरेंस भी दे दिया, कुछ लोग आप में से वाकिफ़ हैं इससे, और इस नाम के मानी भी दे दिए, ताकि वो लोग जिन्होंने इस बारे में सवाल किया है उनके सवाल का जवाब भी हो जाए और एक तरीके से आपके इल्म में इजाफा भी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।